दोस्तों आप सब जानते हैं कि अपने जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। अब देखो गजब संयोग छे, जै दिन गिरिराज जी गलखिन नामांकन भरे ना, दिन टप टपिया रौदा रहे, आ जै दिन हमें लिए भरे ना, दिन मौसम सुहाना रह गए। हमारा तो डर लगे कि कहीं गिरिराज बाबा होते देखें कि भगवान इंद्र भी देशद्रोही हो गए। दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि बेगूसराय जिले में कुछ बेहतर होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। हम समझते हैं कि हम चुनाव लग लिए, अपना नामांकन करते ही हमारा परिणाम निकल गया, हम नैतिक रूप से ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चुनावी रूप से इस चुनाव को आप लोगों को जीतना है, जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा। और यही बात है जिस बात पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव की खासियत क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इतना कैमरा नहीं, गली कुचा नुक्कड़ खेत खलिहान बस ट्रेन इतना कैमरा बेगूसराय में घूम रहा है, क्या हुआ है? कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया ना बेगूसरैया, कन्हैया बेगूसरैया। ये कन्हैया की जीत नहीं है, ये कन्हैया की खासियत नहीं है, ये कन्हैया की विशेषता नहीं है, ये उस मिट्टी की विशेषता है जिस पर पैदा होने का सौभाग्य आप तमाम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये धरती स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह की धरती है, ये धरती महान किसान मजदूर नेता चंद्रशेखर सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के नेता सूरज नारायण सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के महान योद्धा रामचंद्र पासवान की धरती है, ये धरती वीर सपूतों की धरती है, ये धरती विद्वानों की धरती है, ये धरती महान इतिहासकार रामशरण शर्मा की धरती है। इस धरती पे पैदा होना एक गर्व की बात है, इस धरती को इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर बेगूसराय फूल पान न होते हो तो मोदी जी लड़ा सकती है, और ये कर लड़ा मां पुलिस हुनकर, सरकार हुनकर, राष्ट्रपति हुनकर, उपराष्ट्रपति हुनकर, आ मीडिया के घूमे छथुन बात नहीं बोले कर, जरूर कोई बात घूमे घूम चुपके चुप मान तो सब कुछ हुनकर। अब तैयो हम केना ले रहे हैं, केकरा बदल केकरा बदल तो बेगूसराय जिंदाबाद, बेगूसराय की जनता जिंदाबाद। यही जो आपका जोश है, यही जो आपका आशीर्वाद है, यही जो आपकी दुआ है, यही जो आपकी मिन्नत है, उस मिन्नत में इतनी ताकत है कि तमाम चीज होने के बावजूद आज मोदी जी की नाक बेगूसराय में आकर के फंस गई है। फंसी है कि नहीं फंसी है? एक बेर अलखिन हम एक बार आ रही थी देखे तो एक मन मने छो। अच्छा ऐसा आज तक होने हो कि पटना में तो फिटा बेगूसराय स्थापन के हुए किया हो जाने इज्जत दाव पर लगे छन प्रधानमंत्री नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा इज्जत पक्का ना जरा हुए है थोड़ा हम कहीं इज्जत बचना है
ये आदमी खड़े खड़े गाय गिर जाए ओकरा बारे में तोरा मन में कोई इज्जत बच गो कहे के सामने से कोई झूठ बोल के छक लिया कि 15 लाख आएगा 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे अच्छा दिन लाएंगे आ सूट पहन कर आ चश्मा लगाए कर आ वास्को डिगामा नियर दुनिया घूम रहा है। गिरिराज बाबू चाहे छथिन मोदी जी को माला जीत जय को बेगूसराय चुनाव जीत गई। एक बात हमरा सोच के बताओ हमें काल के लिए घूमे लगे गांव में हमारा एक आदमी पूछा कि कश्मीर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहिए कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है खूब सुंदर पहाड़ सुंदर सुंदर लोग बढ़िया बर्फबारी अखरोट बादाम। मैंने हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। हम कहिए देख भाई पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में और नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कोना कोना कौन कोना सोतले कुतल बुधियारी हमरे तो बुधियारी कथा कि बुधियारी सिखबे छथिन हमरा बेगूसराय में आके कह रहलखिन हन कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में हमें मार कर रही है तो मेर मार्केट में कट्टा जगह नाला बहन कर रहे हैं तो भारत में छी पाकिस्तान भारत में छे तो नाला क्यों बने थे मोदी बने थे वो नाला बनवा की जिम्मेवारी गिरिराज जी ने कही थी छह कि नहीं। लेकिन हकीकत जान लो बिहार के ज्यादातर MP का सांसद निधि का पैसा वापस लौट जाता है उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो MP चुन करके आए हैं उसमें 150 MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटा जाए भीड़ खा ले तब कहे थोड़ा योगा कर लेंगे पेट ठीक रहे खैले है तो मेहनत पेट पचबो चला हुआ जो कुट्टी काट गया पेट पचेगी नहीं मतलब समझ रहे हैं। जनता का पीठ और पेट चिपक करके एक हो गया है और नेताजी का पीठ पेट फूल करके ऐसा लगता है जैसे पेट पे कोई चोटी बन गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता मरी जा रही है और नेता जा रहा है। कभी आप सोचे हैं इस बात के लिए गुरु जी रिटायर भाई का जब 60 बरिस में हो कि ना टीचर रिटायर हो जाते 60 बरिस में और लीडर नहीं रिटायर होते 60 बरिस में सुन लो नहीं बात गिरिराज जी कुमार हमने बताया गूगल का एक चेक कह लिया टीचर रिटायर हो जाए 60 बरस में लेकिन लीडर नहीं रिटायर होना चाहिए 60 बरस में। जाओ कौन अटकल रहे कबर में गांव तक जैसे एक मौका दे दे अपनी आखिरी चीज एक बार अगर आप पार लगा दो एक बात बताओ उम्र तक चला है उम्र तक चला होते ना तो महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजल जेते ना नहीं जेते उम्र देख के लड़ाई नहीं होती है सोच से लड़ाई होती है विचार से लड़ाई होती है साहस बल और बुद्धि से लड़ाई होती है। मजेदार चीज देखो जहिया हम PhD कर रहे हैं तब पहले बुढ़ारी तक पढ़ने कर दो अगर PhD कर कर तोरा सब का आशीर्वाद से चुनाव लड़ा ले लिए हैं तो कहे बुजुर्ग है
मैंने इतने तेजी से गिरगिटो अपन रंग नहीं बदले बेसी दिन में होले है। जुलाई में हम पीएचडी जमा कर के लिए डॉक्टर उपाधि ले तखने ही कहे कि कत्या दिन तक पढ़ाई पर रहते बहुत बार उठाए रहे लोग कत्या दिन पढ़ने का छोड़े ही नहीं। आज जब चुनाव लड़ा ले लिए हैं तो कहे छे बुतरू छे बुतरू अब सुनो बुतरू 18 वर्ष में देश के चुनाव कर सके देश के सांसद कौन होंगे एक चुनाव बुतरू 18 वर्ष में कर सके लेकिन बुतरू चुनाव में लड़ सके बाहर यार बुझे तोहर खेला की छो बुझे कि नेता सब देखो की करे पहले अपन बुढ़ारी के इंतजार करे आ जा अपन बुढ़ारी होय छै ता बुतरू जुआन हो जाय छै कि नेताजी चाहलका कब बुढ़ापा में आ गया है तो अपन बुतरू जुआन होले तो ओकरा नेता बनाय दो तो हमे छिए बैल बकरी तोरा खाली वोट दे छिपछिपा जितावत रह नहीं चलतो अगर नेता को पेंशन मिलता है तो जे लोग नौकरी करे छे ओकरो पेंशन दिया पड़ता है। नेताजी दुइयो महीना एमएलए हो जिंदगी भर पेंशन लेती आ हुनका मरलाक बाद हुनका कन्या के पेंशन मिलता आ हमर माय आंगनबाड़ी में काम करे छै तो ओकरा कोई पेंशन नहीं। मास्टर साहब नौकरी करे रहथिन पहले तो गुरुओं जी पैसा मिले रहे गुरुओं जी पैसा मिले रहे गुरु जी का आप मास्टर साहब को पैसा नहीं मिले थे बताओ गुरु गुरुओं जी पैसा कहां से। इसीलिए ये जो दोहरे तरह की नीति है इस नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस बात को आप समझिए आज का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जब पूरे देश और दुनिया की मीडिया बेगूसराय बेगूसराय कर रही है तब बेगूसराय के लोगों को सिर्फ बेगूसराय का नहीं इस देश में लोकतंत्र का भविष्य तय करना है। इस बात को आप समझ लीजिए और हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति दिनकर की धरती इस देश में जमहूरियत का मुस्तकबिल तय करने जा रही है। इस बात को उम्मीद लेकर के हम आपके बीच आए हैं और आपके बीच जब आए हैं तो एक बात और जान लीजिए थोड़ा कृपा से हमारा पर्सनल करियर को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बोले लगे छेछी बोले लगे अंग्रेजी बोले लगे आ जेएनएस पीएचडी कर लगे कुछ न होकर रास्ता देखे छो बाघिन करते हैं कोचिंग कोचिंग खुल गए हमारे तो कोचिंग खोल के पढ़वा लग गए भूख मर गए 3000 कमाए तो हमारे माँ आंगनबाड़ी हमारे परिवार चला गए हमें पीएचडी करके अपन परिवार नहीं चला गए कैरियर खातिर में राजनीति में लिए हैं राजनीति में लिए हैं बात खातिर ना कि कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा। इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है आम आवाम के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम आपके बीच नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आपने अपना आशीर्वाद हमको दिया और वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते हैं जब इस देश की जालिम सरकार हम जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी तब आप हमारे परिवार के साथ खड़े हुए आपने हमारी मां के आंख पर आंसू पोंछा और आपने कहा कि आप घबराइए नहीं आपका बेटा निर्दोष होगा यह सरकार ही जालिम है। आपका इस साथ ने आपके इस सहयोग ने मेरे भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया कि आप तो जे हो जाए तू दू हाथ फरिया ये ले चाहिए मुझे और ये जो आपका आत्मविश्वास है ये जो आपका साथ है इसी आत्मविश्वास और साथ का नतीजा है कि आज हम वापस बेगूसराय जब लौट कर आए हैं तो नेता बनने नहीं आए हैं इस मिट्टी में पैदा हुए हैं बेटा है बेटा बनकर बेटा का फर्ज निभाने के लिए आए हैं। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव सीधे तौर पर इस बात का चुनाव है
कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपको गाली दिए हैं, हमरा नहीं गरीब थी खाली खाली हमरे घर बेगूसराय नहीं छिके कि हमरा गद्दार कह दिलखी कि हमें छे से मुंह छुपाए मोदी जी से माफी मांग गई है माफ कर दे। इन्होंने बेगूसराय जिले के 30 लाख लोगों का अपमान किया है, इन्होंने बेगूसराय के इतिहास का अपमान किया है, इन्होंने बेगूसराय की परंपरा को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक तरफ गिरिराज जी बढ़िया से चलकर मोदी जी की प्रतिष्ठा बचाने आए हैं, आप बेगूसराय के लोग हैं, आपको बेगूसराय की प्रतिष्ठा बचानी होगी। बचाई है कि नहीं बचाई हो, यही लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि आज आपको एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जिसको आपको पैर नहीं छूना पड़े। हमारे गोल छुए पर तो हमें अपने गोल में छुए लेकिन लेकिन हमें छू ले अपना पीढ़ी में सब रह दे। अगला पीढ़ी में बेसी प्यार मोहब्बत होते न तो गला ले गए, गला जब लोग लगे न तो दिल से दिल मिले। तो आज आपके बीच यदि हम हैं, आपने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आपका यदि आशीर्वाद मिलता है तो बेटा बनकर के वो फर्ज निभाना है। और ये बात आप जानते हैं कि तोरा हमरा घर पर जाए ना तनिको धरी धोखा है, लिहत रास्ता कते सोझ छे, सीधे सीधे 0 माइल से 1 किलोमीटर जाएगा बना ले लो सीधे घर पर कभी चले। मेरे घर के बाहर कोई गेट नहीं लगा हुआ है, अब बड़का बड़का हम बुलडोज भी घर पर नहीं लगते नहीं, इंसान इंसान से भेंट नहीं, जितना इंसान के इंसान से भेंट नहीं वो अपना गेट पर लिखने रहे थे कुत्तों से सामने। ऐसा लोग अगर चुन के जाते है, एक तो एम्स खुलल कौन है, IIT बनेल कौन है, यूनिवर्सिटी बनेल कौन है, आ थाना पुलिस नेता ठेकेदार एक रेल गठजोड़ छे हो तो गरीबता के पूछे छे, कोई पूछे छे गरीबता तो घर से लोग पकड़ लेता थाना में तो मंत्री जी छोड़े थे, मंत्री जी घर पर जा सको पहले तो पीए पीएस मिले से पहले वो बड़का गेट रहे छे, आ वो बड़का गेट में वो छोटका गेट रहे छे, एना गेट नहीं घूर के जेबो, बड़का गेट तब खुले छे जब मंत्री जी का आवे छे। जनता जब जाए छे मंत्री जी से भेंट करे ले तब बड़का गेट नहीं खुले छे, तब छोटका गेट खुले छे जेकरा हम निघूर के जाए पड़त झुक के बेटे पर झुक जाओ तब फिर पिए तो एतो बैठ जाइए। अब तक फिर एतो मंत्री जी जरूरी मीटिंग में भीतर खाए रहे छे काजू फंकत रहतो देखे रहतो टीवी आ बाहर हम पिए कहतो कि मंत्री जी जरूरी मीटिंग में, मंत्री जी जरूरी मीटिंग में रहथिन रह एको गो सिनापट बेगूसराय में लगल रहते न हो। गिरिराज जी 5 साल मंत्री रहती एको गो सिनापट देखलो लगल मंत्री रहते हुए एगो योजना देखी ना बेगूसराय का, पहले कल थी नए आए बेगूसराय नए आए नए आए नहीं नहीं खाए नहीं खाए खाए भेर खारी नहीं सुतल सुतल गो खाए, पहले कल थी नए आए आप अला आते ही कह रहा कि नहीं नहीं बेगूसराय से तो हमारा पुराना नाता है, तो पत्रकार पूछल के क्या नाता है, कि नानी का घर है, नानी के हमर लोग के चुनाव याद आवे छे, नानी ऐसा याद आवे छे चुनाव में कि हाथ जोड़ के बगुला लिए गर्दन हिलेने भूले छे लोग, आ जनता फूले में समावे छे कैसन मौसम आया है, नेता हेलीकॉप्टर से उतर करके गली गली बौआ रहा है, नेता जी कम मिले छे। लेकिन एक बात सोच के बतो कि चुनाव के 5 साल हो रहे हैं, इस चुनाव में हम लोगों को क्या तय करने की जरूरत है, हम लोगों को यह तय करने की जरूरत है कि बेगूसराय का भला वही कर सकता है जो बेगूसराय में कला बढ़ा हो, बेगूसराय में रचा बसा हो, जो बेगूसराय को जानता समझता है।
दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो बड़ो को ना लिखू है सेकेंड हैंड नेता और सेकेंड हैंड नारा। आजकल गिरिराजों की सभा में आजादी मांगे छे दू चार सब दिन में बदल गए छे तो सेकेंड हैंड नेता और सेकेंड हैंड नारा। सेकेंड हैंड नेता और सेकेंड हैंड नारा से बेगूसराय कल्याण नहीं हुआ वाला छे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बार बार कोशिश करेंगे कि चुनाव को मोदी जी पर ले जाया जाए और आपको बार बार ये कोशिश करना है कि मोदी जी को खींच करके बेगूसराय लेकर आया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में एक कन्हैया कुमार को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, एक लाल झंडे को बचाने का सवाल नहीं है। इस चुनाव में कौन सांसद होगा ये जरूरी नहीं है, संसदीय व्यवस्था बचेगी कि नहीं बचेगी ये जरूरी है। इस चुनाव में लाल झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा इससे ज्यादा जरूरी है कि तिरंगा झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा ये सवाल हमारे लिए जरूरी है। तमाम तरीके की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इस देश में संविधान को कमजोर करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी कपड़ा मकान का सवाल और तमाम लोगों के आत्मसम्मान का सवाल, उसको कमजोर किया जा सके। इसीलिए हमारा आप बेगूसराय के प्रबुद्ध नागरिकों के से अपील है कि आने वाले चुनाव में एक व्यक्ति को लेकर के आप निश्चिंत मत होइए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये महसूस कीजिए कि इस चुनाव में आप तमाम लोग उम्मीदवार हैं और आप तमाम लोगों को बेगूसराय की रक्षा के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए, बेगूसराय के आत्मसम्मान के लिए एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि अगर लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ी गई हो तो जीत हर हाल में होती है, होता कि नहीं हो देश बोलो। और आखिरी बात, बिहार के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं, इस मंच से उस हड़ताल का हम समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बेगूसराय जिला में पिछले दिनों में जो भी आंदोलन हुआ है उसमें हम शामिल रहे हैं, आने वाले वक्त में भी आपके हक और अधिकार के लिए जो भी आंदोलन होगा उसमें शामिल रहेंगे, आपके सुख दुख में आपका बेटा बनकर के खड़ा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दुआ और आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।